ओम शांति। कभी कभी जीवन में ऐसे अद्भुत पल आते हैं, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व आते हैं जिनके प्रति अपने दिल के उद्गार और मन की भावनाओं को शब्दों की माला में पिरोना असंभव हो जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसी ही एक अद्भुत व्यक्तित्व हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार थी। दादी गुलजार से हमारा पहली बार मिलना मात्र हमारे 6 वर्ष की उम्र के अंदर हुआ, जब वो दिल्ली जोन की इंचार्ज भी थी। और दादी के पास तो हम बच्चों की तरह खेलते हुए, कभी उनके कमरे के अंदर, कभी दादी के पास, कभी दादी की गोदी में हम दौड़ते हुए चले जाते थे। हमें उस समय ना ज्ञान से ज़्यादा मतलब होता था, ना किसी और चीज़ से, लेकिन दादी का स्नेह, दादी का शांत मूर्त हमको बहुत आकर्षित करता था। उनको देखकर ही हमें ऐसा लगता था कि जैसे एक अलग सा सुकून आ रहा है, कोई शक्ति हमको खींच रही है। वो परमात्मा की जो प्यार है, उसकी अनुभूति हमने दादी जी के द्वारा की। जब पहली बार हमारा मधुबन जाना हुआ तो दादी ने बहुत सुंदर रूप से हमारे माता पिता को ये शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि ये जो दो पूंगरे हैं, ये जो दो बालक हैं आपके, ये बाबा के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों की पालना आपको बहुत प्यार से साक्षी होकर करनी है। इन बच्चों को अच्छा पढ़ाना है और पढ़ाकर इस तरह इनको नर्चर करना है कि आगे जाकर अपने व्यक्तित्व के द्वारा ये बाबा का नाम रोशन करें। और देखिए ऐसा ही हुआ। नित मिलना, प्यार प्यार से दादी के पास चले जाना, छोटी छोटी बातें भी दादी से शेयर करना, ऐसी लिबर्टी हमको बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुई। दादी दिल्ली में थी तो जब भी कोई बात होती हम प्यार से उड़कर दादी के पास चले जाते। कभी कोई सफलता होती, कभी कोई बात होती, कभी स्कूल की बात होती तो दादी के पास जाना कि दादी हम आ रहे हैं, और दादी भी बड़े प्यार से कहती कि आ जाओ। हमें ध्यान है कि जब हम स्कूल की पढ़ाई करते थे तो दादी ने प्यार से बुलाकर हमको कहा कि देखो मोहित, जब भी तुम स्कूल जाते हो ना तो अकेले मत जाया करो, हमेशा बाबा को साथ लेकर जाया करो, उससे तुम्हें बहुत आनंद आएगा। और आज इतना बड़ा जीवन, इतना लंबा जीवन काल के बाद भी एक भी दिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया जो मैं घर से बाबा के बिना निकला हूँ। वो बात मेरे मन में ऐसी रजिस्टर की कि जब भी मैं घर से जाता हूँ तो बाबा के कमरे से होकर जाता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो बाबा को थैंक्स करता हूँ। और मुझे हर पल अनुभव होता है कि बाबा हमारे साथ है। ऐसी शिक्षाएँ प्यार से दादी हमको देती थी। इसी प्रकार जीवन में मुरली का महत्व हमको दादी ने सिखाया। दादी बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ाई पर ध्यान न देकर अनुभव के ऊपर बहुत ध्यान देती थी। अक्सर दादी यही बोलती थी कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की शक्ति है। और यही हमको दादी कहती है कि मोहित, मोनिका, आप लोग जब रोज़ पढ़ाई पढ़ते हो, ऐसे बाबा की भी पढ़ाई रोज़ पढ़नी चाहिए। तो रोज़ सवेरे उठकर जब भी समय मिले या दिन में जब भी समय मिले, बाबा की मुरली को ज़रूर पढ़ो। और ऐसे ही हमने अपनी दिनचर्या में, आज 37 ईयर्स हुए हैं, हमने कभी भी एक भी दिन, चाहे हम विश्व के किसी भी कोने में हों, हमने बाबा की मुरली को मिस नहीं किया। सदा बाबा की मुरली पढ़कर हम अपनी पढ़ाई पढ़ने के लिए अपने लौकिक कॉलेज या अपने स्कूल पर जाते थे और वापस आते थे। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं देकर दादी ने बहुत सरलता से, बहुत प्यार से हमें नर्चर किया, हमारा पालन किया, हमको प्यार दिया। जैसे एक माँ होती हैं, जैसे सच में एक दादी होती हैं, घर की बड़ी होती हैं। और कभी कभी स्कूल में जब हमको सफलता मिलती, मेडल मिलते, हमें बहुत खुशी होती। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था तो बहुत सारे मेडल मुझे मिले, और मैं जब घर पर आया तो मैंने दादी से शेयर किया, और दादी हर खुशी, हर बच्चे की बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करती थी। दादी उस समय स्पेशली घर पर आईं, और आप जानते हैं क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्यार से उन मेडल्स को तो मुझे पहनाया, लेकिन उसके साथ बाबा का बैज मुझे पहनाया। उन्होंने कहा, देखो ये तो फिर भी नकली मेडल है, लेकिन बाबा तुमको असली गोल्डन एज का मेडल पहना रहा है। इतना प्यार दादी के चित्त में होता था, इतना सरलता, इतनी निर्माणता उनके जीवन के अंदर होती थी। हमें ध्यान है कि कभी कभी जब एग्जाम्स आते थे तो मैं कहता था, दादी मुझे तो याद ही नहीं होता। जैसे बच्चे होते हैं ना, दिल की बात कभी भी बड़ों से कर देंगे, माँ से कर देंगे, तो मैं दादी को हमेशा ही कहता था कि दादी ये चीज़ ध्यान में नहीं आती है। तो दादी मुस्कुराते हुए कहती थी कि तुम्हें नहीं ध्यान रखना होता है, तुम्हें केवल पढ़ना होता है, केवल बाबा को कहो कि बाबा मैं तो बैठ रहा हूँ, एग्ज़ाम लिखना आपका काम है। और आप सच मानिए कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो मैं केवल कलम लिखता था
कलम उठाकर ओम शांति केवल प्यार से बाबा की स्मृति में बैठता था और मुझे ऐसा लगता था कि पावरफुल कनेक्शन खुल गया और बाबा लगातार वो ज्ञान दे जा रहा है। सब बातें जो मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ, वो सब बातें धीरे धीरे ध्यान में आ जाती थी। इतना प्यार से दादी ने बाबा को हमें अपने जीवन में यूज़ करना सिखाया, सहजता से यूज़ करना सिखाया। दादी हर पल कहती थी कि बाबा को सदा अपने साथ कंबाइंड रखो, बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में समाये रहो। कभी भोजन भी खाना है तो भोजन भी बाबा के साथ खाओ, प्यार से खाओ। और दादी बहुत सरल थी, कभी कभी घर पर जब दादी का आना होता था तो प्यार से किचन में आकर खड़े हो जाते थे और बड़े प्यार से किचन में खड़े होकर वो बोलती थी कि इस सब्जी को इस तरह बनाओ, इस चीज़ को इस तरह बनाओ। तो आप देखिए कि विश्व के जो विश्व महाराजन और महारानी बनने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी निमित, कितनी निर्माण और कितनी सरलता, हर कार्य को स्वयं करके दिखाना, इतनी श्रेष्ठता उनके जीवन के अंदर थी। और जब भी दादी भोजन खाती और हम आसपास घूम रहे होते थे तो दादी अपनी थाली में से एक कौर जरूर खिलाती थी, हमेशा खिलाती थी। वो स्मृति आज भी हमारे जीवन पर है। बहुत खुशी, बहुत आनंद, बहुत सुकून की अनुभूति होती है जब वो पल हमारे जीवन में हम दोबारा स्मृति पटल पर लाते हैं। हमें ध्यान है कि एक बारी हमको शारीरिक बीमारी हुई, ब्रेन की बीमारी हुई थी। बहुत सारी दवाइयां मैं खाता था जीवन के अंदर, करीब 13-14 टैबलेट्स और रोज़ इंजेक्शन लग रहे थे। सर्जरी भी हुई और सर्जरी होने के बाद कुछ महीने बाद मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ गया। और आज मैं ये राज आपको बताता हूँ कि जब वो लेजन आया तो मैं थोड़ा मन में चिंतित था। मैं दादी के पास गया और दादी अपने कमरे में बैठी हुई थी। दादी ने कभी हमको बीमार रूप में देखा ही नहीं। दादी कहती कि बीमारी तो है ही नहीं, ये तो बाबा देख लेगा। लेकिन दादी ने उस वक्त अपने मुखारविंद से एक शिक्षा हमको दी। दादी ने कहा कि मोहित, तुम योग का प्रयोग करो, रोज़ सवेरे उठकर बाबा की याद में एक ग्लास लो और ग्लास के अंदर पानी डालकर उसके अंदर माखी, जिसको वो शहद को माखी कहते थे, तो उस माखी को डालो और बाबा की स्मृति से उसको चार्ज करो और चार्ज करके उसको लगातार लो। तो ये कार्य मैंने एक साल तक किया और आप बिलीव करेंगे कि एक साल बाद जो मेडिकल साइंस जिस लेजन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए दवाइयां मैं मैक्सिमम ले रहा था लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, बाबा की योग की शक्ति से, स्मृति से, वो एक साल बाद लेजन कम्प्लीटली ब्रेन से गायब हो गया। तो ऐसे योग की शक्ति को प्रैक्टिकल स्वरूप में प्रयोग करना, ये दादी ने हमें सिखाया। और दादी का जीवन तो हम जानते ही हैं कि जब दादी भी अपने शारीरिक रूप से बीमार थी, मन से तो बिल्कुल नहीं, तो दादी हमेशा डॉक्टर से पूछती थी कि भाई डॉक्टर, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम बताओ तुम ठीक हो। तो सभी हैरान हो जाते थे कि एक पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा है कि डॉक्टर का स्वास्थ्य कैसा है। तो जो बाबा की शिक्षाएं हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप, जिसको हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम कहें कि सहज योगी जीवन, वो दादी के अंदर हमने देखा। एक और बात मुझे स्मृति में आती है कि एक बारी हम अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गए। 15 अगस्त का वो दिन था तो दादी ने हमको इनवाइट किया और हम छोटे मानेसर दादी की कॉटेज में गए। बहुत हमने हंसी खेल पाल किया, इंजॉय किया, वहाँ पर पतंग वगैरह उड़ाई और उसके बाद भोजन का समय आया। अब भोजन का समय आया तो हम टेबल पर बैठे और दादी को हमने कहा कि दादी आप बैठिए। तो दादी ने कहा कि भाई, हर बारी आप दादी को खिलाते हैं, आज सबको दादी खड़े होकर खिलाएगी। आप उनकी निर्माणता को देखिए, इतनी श्रेष्ठ आत्मा। दादी ने, दादी बैठी ही नहीं, उन्होंने पूरे परिवार को वहाँ बिठाया और हाथ में बर्तन लेकर एक एक को अपने हाथ से थाली में सब्जी परोसी, रोटी परोसी। और वो देखकर मेरा मन, मेरा दिल इतना भर आया। मैंने कहा देखो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, ये भी परम सौभाग्य की बात है कि स्वयं दादी हमको भोजन परोस रही हैं, हमको भोजन खिला रही हैं। तो जो बाबा कहता है कि हमारा जीवन कितना निमित्त और निर्माण होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमने दादी के जीवन में देखा। और यही नहीं कि दादी केवल ज्ञान ही सुनाती थी, दादी रमणीकता का भी बहुत सुंदर मूर्त थी। जब दिवाली होती तो दिवाली में घर के अंदर हम थोड़ा बहुत पूजन करके, योग लगाकर हम सीधे दादी के पास दौड़ते थे।
पांडव भवन में जाते थे और दादी की चौपाल बड़ी सी सज जाती थी, वहाँ बाहर बैठती थी दादी, सब रास करते थे, दादी भी डांस करते थे हमारे साथ, और उसके साथ वहाँ पर पटाखे चलना, छोटे छोटे अनार चलना, और उसके बाद बढ़िया बढ़िया टोली खाने को मिलना, दीप दान करना, इतना सुंदर फेस्टिवल हम लोग दादी के साथ इन्जॉय करते थे। और होली दादी कभी नहीं छोड़ती थी, अगर हम होली पर जाएँ और दादी अपने हाथ से गुलाल ना लगाएं या हमको जो पावरफुल फूलों से जो रंगित पानी होता है वो हमारे ऊपर ना डालें, ऐसा हो नहीं सकता था। तो रमणीकता भी दादी के जीवन में बहुत हमने पाई थी। एक बारी हमें ध्यान है कि हम दादी को घर पर लेकर आ रहे थे, बाबा के घर पर, कि दादी आइए और भोजन साथ में ही करेंगे। तो मैं पांडव भवन दादी को लेने गया, पर जब हम आ रहे थे तो ट्रैफिक बहुत था, तो जो यात्रा केवल 15 से 20 मिनट की मात्र होगी, उस यात्रा में हमको ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था। अब 1 घंटा दिल्ली के ट्रैफिक में आप सोच सकते हैं कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं मन के अंदर संकल्प आए, लेकिन दादी यही बोली कि भाई रास्ता थोड़ा लंबा है तो चलो। दादी ने हमसे ज्ञान युक्त पहेलियां पूछनी आरंभ कर दी, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, साथ में हमारी लौकिक बहन थी मोनिका, और हम लोग इंजॉय करते करते आधा पौना घंटा दादी की पहेलियां, हमारे जवाब, और रमणीकता और रूहानियत से परिपूर्ण वो जो वातावरण गाड़ी के अंदर क्रिएट हुआ, हमें समय का पता ही नहीं लगा। और हम घर पर जब आए, बाबा के घर पर, बाबा के कमरे से होकर जब हम ऊपर गए, तो दादी कहती हैं कि ये तो बहुत प्यारा बाबा का घर है, वंडरफुल घर है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि बाबा स्वयं यहाँ पर रहता है। और यही नहीं, फिर दादी ने एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया। दादी कहती है बाबा के घर से गिफ्ट आया है, तो बाबा के घर से गिफ्ट आया, हमने स्वीकार किया और हमने उसको साथ में ले जाकर रख दिया। लेकिन दादी ने कहा नहीं, तुम इसको लाकर यहीं पर खोलो, और उस गिफ्ट को लाकर दादी ने स्वयं अपने हाथ से खोला, और खोलकर उसके अंदर एक टी सेट था और कप और प्लेट से, और डिनर प्लेट्स भी थी। दादी ने कहा कि मैं खोलकर इसलिए रख रही हूं ताकि ये गिफ्ट सेट आप किसी को भी पास नहीं करो, जब भी इस सेट को आप यूज करोगे तो आपको बाबा की याद आएगी। और हम सब मुस्कुराते रहे और दादी की विद्वता पर हम लोग सम्मोहित हो गए, हम बहुत हैरान हुए। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती थी, तो दादी सदा हमारे लिए साथ रहती थी। हमें यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब भी दादी को थोड़ी स्वास्थ्य के अंदर ऊंच नीच होती थी तो दादी से मिलना बहुत सहज होता था, क्योंकि दादी हमारे लौकिक पिताजी के पास ही आती थी। और जब दादी को थोड़ी बड़ी बीमारी भी हुई तब उनके साथ पांडव भवन में कुछ पल गुजारने का, रात को रहने का भी हमको मौका मिला, पर दादी सदा अपने आप को बहुत शांत, ऐसा जैसे आप कह नहीं सकते उनको देखकर कि कभी कोई बीमारी इस आत्मा को रही भी होगी, शरीर को रही भी होगी, इतनी शांत रहती थी हमेशा, बिल्कुल पावरफुल वाइब्रेशंस, इतना पावरफुल एटमॉस्फियर, और ऐसा आनंद की अनुभूति होती थी, इतना परम सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। मुझे याद है कि जब मैं अमेरिका जा रहा था, तो अमेरिका जाने से पहले 2001 की बात है, मैं दादी के पास गया और दादी ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि देखो मोहित, अमेरिका जाने से पहले तुम्हें मधुबन ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जगदीश भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने एग्ज़ाम तभी अपने दिए थे और ओवरनाइट ड्राइव कर हम भाई साहब के पास गए, और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई साहब के साथ अंतिम दर्शन थे। तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं दादी हमको देती थी, और दादी ने बड़े प्यार से हमको बुलाया, टोली भी दी और कहा कि सदा बाबा को अपना साथी बना कर रखना, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा नंबर वन फ्रेंड केवल एक है, वो है तुम्हारा प्यारा बाबा। और दादी की वो शिक्षाएं सदा मैंने अपने जीवन में समा कर रखी। मैं हॉस्पिटल जाता था, हार्ट के पेशेंट्स भी देखता था। जब दादी दिल्ली से आखिरी बार जा रही थी तो मुझे वो पल ध्यान है जब दादी बहुत हल्की सी आवाज़ के अंदर दादी ने मेरे कान में बोला कि मोहित, तुम जिस हॉस्पिटल में कार्य करते हो वहाँ अनेकों अनेक आत्माओं की सेवा का तुम्हें प्रिविलेज मिलता है, तुमको ये सम्मान मिलता है कि तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम उनका ख्याल रख सको, तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की तुम सदा बाबा के ज्ञान के द्वारा सेवा करना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सेवाओं पर सदा ध्यान देना। तो दादी की ये शिक्षाएं एक एक पल सदा हमारे जीवन में हमारे साथ बन गई। दादी भले शारीरिक रूप से आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन दादी की वो प्यारी सी मूरत, दादी की एक एक शिक्षाएं हर पल हर दिन सदा मुझे मेरी स्मृति पटल पर साफ रहती हैं।
आज भी मुझे महसूस होता है कि दादी और उनकी शिक्षाएं सदा हमारे साथ हैं। हमारा दिल, हमारे नयन, हमारी आत्मा उनके सम्मान, उनके प्यार के अंदर आज भी झुक जाती है। हमारे दिल के उद्गार सदा यही कहते हैं कि बाबा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के साथ हमारे जीवन के कुछ पल बीते, उसके लिए इतना हम आपका दिल से शुक्रिया करें। ओम शांति।